नवीन महवा मंडी में छठ पर्व को लेकर उमड़े खरीदारों की भीड़ को देखते हुए मंडी सचिव राजित राम वर्मा ने मंडी का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मंडी सचिव राजित राम वर्मा ने बताया कि छठ पर्व की खरीदारी को लेकर मंडी में काफी भीड़ है, जिसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया गया है, जिसमें प्रशासन द्वारा मंडी में अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए कुछ व्यापारी दूसरे राज्य से भी आकर मंडी में व्यापार कर रहे हैं, जिससे भीड़ और बढ़ गई है, जिसको देखते हुए मंडी में कुछ जगह पर वन वे कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले एक ही लेन से आना जाना था, लेकिन छठ तक अब कुछ मार्ग वन वे रहेगा। उन्होंने बताया कि गाड़ियां एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी, जिससे भीड़ पर नियंत्रण लगेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए मछली मंडी में लगे गेट को खुलवा दिया गया है, ताकि गाड़ियां उधर से जा सके। इस अवसर पर मंडी चौकी प्रभारी एस के शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी सचिव राजित राम वर्मा ने कहा, राजित राम वर्मा मंडी सचिव गोरखपुर। सर, मंडी में छठ पर्व को लेकर काफी भीड़ भाड़ है, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? जी, इसके लिए देखिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया गया है। मंडी में काफी भीड़ है, ये छठ पूजा की वजह से काफी भीड़ है, जो है
कुछ बाहरी लोग भी आकर के यहाँ व्यापार कर रहे हैं फुटकर में जो है, और वैसे भी गाड़ियाँ जो है तरह तरह के जीन्स आ रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो है और हमारे मंडी के जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको सब लगा दिया गया है, उन भी कर दिया गया है। पहले एक ही एंट्री से दोनों तरफ से आना जाना था, अब जो है उनबे कर दिया गया है। अब एक तरफ से एंट्री करेंगे, दूसरे गेट से निकल जाएंगे, मछली मंडी की तरफ गेट लगा हुआ है उसको खुलवा दिया गया है। तो इस समय जो है उनबे हो गया है, काफ़ी समस्या हल हो गया है भीड़ का जो है। कितने दिन तक उनबे रहेगा ये? छठ पूजा को देखते हुए किया गया, छठ पूजा की वजह से काफ़ी भीड़ है, बाकी तो सामान्य हो जाएगा। ये दो दिन के लिए है, छठ पूजा का जैसे ही वो समाप्त हो जाएगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा उनबे का। ग्राहकों से कुछ अपील करना चाहेंगे मंडी में किस तरह से आए? ग्राहकों से ये अपील है, जो भी अलाउंस और ये सब के माध्यम से किया प्रचार किया जा रहा है कि सब लोग जो है इस पे उसी का पालन करें, उनबे के रास्ते से ही आए जाएं और जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करें, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें, इधर उधर कतई वो ना फेंके जो है। भीड़ को देखते हुए जो है इनको बराबर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि आप इसका पालन करिए।